गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज लेके आई हूँ मैं नई रेसिपी। जैसे हिमाचली धाम में बनती है काली उड़द की दाल, काली दाल और राजमा, तो मैं इसे अच्छे से चार पानी से धो के ले आई हूँ माश की दाल को। तो डाल दिए मैंने, इसमें जाएंगे खड़े मसाले। अभी खड़े मसाले में हम लेंगे सरसों तेल, साबुत सौंफ, साबुत मेथी, साबुत जीरा, साबुत धनिया और हींग। और इसे रख देंगे हम आप उबालने के लिए। तो तब तक करते हैं हम घोल तैयार। घोल तैयार करेंगे हम हल्दी का। हल्दी का घोल तैयार करने के लिए लेंगे हम हल्दी। इसका घोल जो है हम तैयार करके रख देंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी। हल्दी का घोल तैयार करने के बाद इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमारी दाल पकी थी, दाल में सीटी लगानी है। इसमें राजमा भी है, काली दाल है, तो चार सीटियां लगाए इसमें, बाकी खुले में पकेगी। और अब बनाते हम घोल। यहाँ इसका जो पीसे हुए मसाले डालने बाद में, ये तो खड़े मसाले, जब दाल पक जाएगी, जब हम ढक्कन खोल देंगे इसका, उसके बाद जो है ये पाउडर जो है, सारे मसाले का पाउडर है वो जाएगा उसमें। इसमें डाली मैंने कसूरी मेथी, और डालेंगे हम कसूरी मेथी के साथ मेथी पाउडर, और डालेंगे हम दाख। इसमें दाख भी ऐड करने, इसमें 8 से 10 दाने दाख के ऐड करें। और पिसे हुए डालने हैं, धनिया डालेंगे हम पाउडर पिसा हुआ, नमक डाल देंगे हम इसमें पिसा हुआ नहीं नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। चावल के साथ है तो 2 से 3 चम्मच डालूंगी मैं। बाकी गरम मसाला डाल देंगे हम, जिसमें बड़ी इलायची वगैरह, लौंग, जावित्री वगैरह सब कुछ पीसे, तो हम इसी में डाल देंगे पाउडर। खड़े मसाले मैंने दिखा दिए कैसे कैसे डालने थे, और अब डाल दें पीसे हुए। तो चलिए बनाते हैं इसका घोल। इसे भी घोल बना के हम छोड़ देंगे, हमारे पास टाइम है अभी, तो हम बना देते हैं इसे। और दाल पकने के लिए रखूंगी मैं, 4 सीटियां लगानी है इसमें। और ये देख सकते हैं आप, घोल बना के रख दिया हमने। हल्दी का अलग से बनाना है, पीसे हुए मसाले का अलग से बनाना है। ये बन के रेडी हो चुका है, और साथ में दूध की कौली, लास्ट में जाएगा दूध इसमें, तो दूध की, दूध से जो है अलग सा फ्लेवर आता है। तो चलिए रखते हैं दाल उबलने के लिए, तब तक हमारे मसाले भी अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। जो पीसे हुए पाउडर है मैंने जो इसमें भीगने डाल दिए कौली में, और हल्दी का पाउडर भी, हल्दी का घोल भी बना दिया। ये भी 4 सीटियों के बाद ढक्कन खोलने के बाद जाएगा हल्दी का घोल। उसके बाद फिर पकानी है, फिर दाल है पीसे हुए मसाले का घोल, फिर पकानी है, फिर लास्ट पे जो है लाल मिर्ची, और लाल मिर्ची का ही तड़का लगेगा, सरसों के तेल में बनेगी सिर्फ ये, और बाकी जो है लास्ट में फिर दूध जाएगा। पहले हम दूध ऐड करेंगे, उसके बाद तड़का लगाएंगे। तड़का जो दूध डालने के बाद भी पकाना इसे, फिर डालेंगे, फिर हम लाल मिर्ची का तड़का लगाएंगे इसमें, तो हमारी उड़द की दाल जो है तैयार हो जाएगी, जो हिमाचली धाम में बनती है स्पेशली। खड़े मसाले मैंने दिखा दिया आपको कैसे कैसे डालने थे, और दूसरे जो है खड़े मसाले मैंने डाल दिए, कैसे डालने थे, और पीसे हुए मसाले का मैंने घोल बना दिया हल्दी का, और साथ साथ मैंने पीसे हुए मसाले का घोल बना दिया। इसे ऐड करेंगे हम बाद में। साबुत मसाले में जाते हैं जीरा, मीठी सौंफ, मोटी सौंफ जो होती है, साबुत धनिया जाएगा खड़े मसाले में, हींग जाएगा, साबुत मेथी जाएगी, बाद में पिसी हुई मेथी भी जाएगी। तो इस तरह से देरी ना करते हुए रखते इसे उबालने। मिश्रण बना दिया है घोल इसका, इसमें डाली मैंने कसूरी मेथी, बड़ी इलायची वगैरह, जैसे गरम मसाला मैंने पीस के रखा है, जावित्री वगैरह, गरम मसाला वगैरह सारा पीस के रखा है इसमें। तो पीसा हुआ मसाला, धनिया का पाउडर, और साथ में डाले मैंने दाख, साथ में डालेंगे हम कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर जैसे गरी है तो उसको कद्दूकस कर दें। तो इस मिश्रण को हम भीगने देंगे अब, और बाकी दाल रख दिए मैंने पकने, और फिर उसके बाद करते हम इसका। सीटी आने के बाद देखते हैं दाल पकी या नहीं। ये देखिए इस तरह से हो चुकी है दाल मेरी। चार सीटी के बाद इसे अच्छे से अब खुले ही पकाएंगे हम, तो देखते जाइए कैसे कैसे बनती है।
अब ऐड करेंगे हम इसमें हल्दी, जैसे घोल बना के रख दिया था मैंने, अब इसे काफी देर पकने देंगे हम इसको। जैसे हल्दी डाली थी मैंने तो काफी देर पकने के बाद, ये देखें देर तक पकाना इसे। अब ऐड करेंगे हम जो पीसे हुए मसाले मैंने घोल बनाया था, काफी देर से घोल बना के रखा था, अब उसे ऐड कर देंगे हम। इसे ऐड करने के बाद हम देर तक इसे पकाएंगे, 15-20 मिनट तक इसे अच्छे से पकाना है। अच्छे से पकाने से क्या होगा कि इसमें कच्ची स्मेल जो है किसी भी चीज की बिल्कुल भी नहीं आएगी। आधे घंटे के बाद, अच्छे से पकने के बाद, अब ऐड करेंगे हम दूध की कौली इसमें। इससे जो है इसका टेस्ट जो है 10 गुना उबर के आएगा, तो इसे अभी भी पकने देते हैं और 15 से 20 मिनट। हमारी दाल तैयार हुई या ना हुई, जैसे मैंने दूध की कौली डाली थी उसके बाद काफी देर पकाया इसे, तो आप देख सकते हैं हमारी दाल जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, मसाला अच्छे से मिल गया है सारा, देख सकते हैं आप। और इसमें अब तड़का ही लगेगा लास्ट। अब तड़के के लिए मैंने कढ़ाई रेडी कर दी है, चलिए लगाते हैं तड़का। कढ़ाई ले चुकी हूँ मैं, इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। तो कढ़ाई ले लिए मैंने, सरसों का तेल डाल दिया, गर्म हो चुका है ऑलरेडी। अब तड़के में दाल में लास्ट में रहा इंग्रेडिएंट डालने के लिए, तो लगेगा तड़का साबुत धनिया और लाल मिर्ची का, सिर्फ इतना ही जाएगा लास्ट में। अब इसमें लाल मिर्च और धनिया का इसे अच्छे से ब्राउन होने दे, ताकि इसका स्मोकी फ्लेवर जो है ना। तो मिर्च हमारी ब्राउन हो चुकी है, धनिया भी ब्राउन हो चुका है, अच्छे से हो चुका है ब्राउन। तो करते हैं दाल ऐड। ये था हमारा लास्ट काम जो रह गया था दाल का, लास्ट वाला ये था तड़का साबुत धनिया और लाल मिर्ची का। तो दाल मेरी बनके लगभग रेडी हो चुकी है, जो धाम में बनती है हिमाचली धाम में काली दाल। तो करते हैं अब प्लेटिंग। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई ये दाल, ये देखें। तो चलिए करते हैं प्लेटिंग। रेडी हो गई है जो हिमाचली धाम में काली दाल बनती है, वो तैयार है। तो अब प्लेटिंग कर चुकी हूँ मैं, दिखाऊंगी मैं बैक कैमरा से तो कैसे कैसे मैंने दाल बनाई, कब कब क्या क्या डाला, कितनी सीटियाँ लगाई, मैं सारा वीडियो बता चुकी हूँ। आप जरूर फॉलो करें इस चीज को, एक बार जरूर बना के देखें। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, हिमाचली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार गाइस। मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर विद कमेंट। ये थी मेरी काली दाल की रेसिपी जो धाम में बनती, हिमाचली धाम में, इस तरह से जैसे मैंने तड़का बता दिया।